टेक्निक सेंट प्रेजिडेंट अज असें बड़ा एक तगड़ा प्रोटेस्ट किया है और बड़े दुख में अस आखिर कि प्रोटेस्ट अं कोई खुशी नहीं अस करिए और प्रोटेस्ट उ लोग करते हैं जिन्हें दुख होंगे तकलीफ होंगे जो नुकसान होंगे लेकिन ये सारिया गवर्नमेंट काम कर तो कोई रोड पर नहीं आता कोई प्रोटेस्ट नहीं करता लेकिन लोगों को मजबूर करते हैं। आज सारी बुजुर्गें भी कदमों की जायदाद गई है 70-71 साल हुई है लेकिन इन्हें असी सिर्फ टरकाया टरकाया दिता कुछ नहीं। ये मोदी जी आए उन्हें कोई 2,000 करोड़ रुपया फंड तो कढ़िया कोई नहीं लोगों ही दियो ये उबी नहीं बंडा ये डरे ये डरपोक कुर्सियों में बैठे न मैं बोलना ऐसे अफसर की अक् भी नहीं होना चाहिए जो डरपोक है जो कुर्सी बिठाया गया जो कम नहीं करी सकता उस कुर्सी का अधिकार ही नहीं होना चाहिए कम वो होंगे कर सकता तो अस कोई झूठे नहीं है अस कोई नजायज नहीं है अस जायज लोग हैं ज्यादा डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं हर एक चीज प्रूफ दे रहे हैं तो फिर इन डरने की क्या जरूरत है ये खाम खा उल्टा गौरमेंट का बोझ बने देने लोग ये पता नहीं कि इन्हें कुर्सियां हासिल की अगर की कम नहीं करते लोगों को क्या फायदा लोगों वास्ते काले ढगे ने तो इस वास्ते मैं चाहना कि मैं गवर्नमेंट अगर रखना गवर्नर साहब भी आखना ऐसे लोगों का पीछा करो जो लोग कम नहीं करते लोगों तकलीफ रखेगा लोग परेशान होए अज दर बदर होए इन्हें लोगों का मसला हल नहीं होगा वो इे डरते हैं साढ़े गले रस्सा नहीं पी जा अगर कम ठीक है कोई गले रस्सा नहीं पाता अगर गल गलत है वो रस्ता पाना है और जल्द गलत करते हैं उल्लै रस्से भी पाते हैं उल्ले ही कौन बचाता है और नहीं महाराज ये 5.5 लाख देना सारा परिवार भुखा मरी जाए कह देना मरिए कम ठीक करो जायज़ काम करो कोई परिवार भुखा नहीं मरता कदों ही सृष्टि चल रही है कदों ही दुनिया चल आवे जा रही है सब काम ठीक होगा वा कुछ ही फांसी नहीं अज तक रोई ये क्यों अगर ऐसे कमजोर आदमी कुर्सी लेकर गई है मैं बोलना उस अफसर ने जो जवान ने उस एहलकार ने तो जन्म गन्ना लेना चाहिए इस दुनिया के।